खोराबर थाना क्षेत्र के राम लखना जंगल में बीती रात करीब 1:30 बजे मुठभेड़ के दौरान वन तस्करों ने डिप्टी रेंजर को गोली मार दी। वन में हो रहे पेड़ों के कटान की सूचना पर डिप्टी रेंजर DN पांडे एक फॉरेस्ट गार्ड और 3 वॉचर के साथ जंगल में गए थे, तभी पेड़ काट रहे वन तस्करों ने फायरिंग कर दी। डिप्टी रेंजर के सीने में दाहिनी ओर गोली लगने से वो घायल हो गए। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है और गोली को देर शाम चिकित्सकों ने निकाल लिया। वहीं इस सूचना के बाद SSP शलभ माथुर के निर्देश पर मुकामी पुलिस और वन विभाग की टीम वन तस्करों की धरपकड़ में जुट गई है तथा कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि आए दिन वन कटान की सूचना पर वन विभाग कॉम्बिंग कर रहा है। बीती रात भी ये सूचना आई। इस पर जब डिप्टी रेंजर अपने विभागीय सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंचे तो वन तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी। वन तस्करों की संख्या 5 बताई जा रही है। फिलहाल गोली चलाने वालों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम लग चुकी है। पुलिस ने एक घटना में शामिल एक जाइलो और 2 बाइक बरामद की है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डिप्टी रेंजर DN पांडे और SSP शलभ माथुर ने बताया। जिले में 4 जुलाई मतलब तो कौन रेंज पड़ेगा आपका? मामला कल रात में हमको सूचना मिली कि जो है राम लखना जंगल से कुछ अपराधी लोग लकड़ी काट के ले आने की फिराक में हैं और संभवतः काट भी रहे हैं। उसी सूचना में मैं अपने सहयोगी राजकरण वनरक्षक और अपने और वृक्षारोपण वाचरों के साथ जो है तत्काल घटनास्थल की रवाना हुआ। घटनास्थल से पहले अपने वनरक्षक चौकी पर अपनी मोटरसाइकिल को रख करके सिर हम लोग पैदल जो है छिपते छिपाते घटनास्थल के लिए रवाना हुए। घटनास्थल पर रवाना पहुँचते ही जो है देखा गया कि लकड़ी काटने की आवाज़ आ रही से आ रही है। उसके अभियुक्तों को पकड़ने की नियत से जो है हम लोग घेराबंदी करके जो है उनके पकड़ने के लिए जैसे आगे बढ़े तो उनको आहट हो गया। कोई पुलिस या वनकर्मी हम लोगों के पकड़ने की नियत से आगे बढ़ रहा है तो तत्काल फायर करने लगे। फायर के जवाब में हम लोग भी फायर किया गया अपने स्तर से, परंतु उस फायरिंग के दौरान जो है उन लोगों के जो है निशाना बना के फायर किए जाने पर मेरे दाहिने कंधे पर जो है गोली जो है लग गई। इसके काफ़ी तो है, अगर मतलब सुरक्षित रहे और ठीक ठाक व्यवस्था रहे उसकी, ठीक ठाक व्यवस्था मतलब उसकी मेंटेनेंस रहे, अगर समय समय पर हर चीज़ रहे तो कोई 315 राइफल काफ़ी माने रखती है। पहचान में तो आए हैं कुछ लोग, भागते समय टार्च की रोशनी में जो है पहचान में आए हैं लोग। ये कल रात करीबन 1:30 बजे की घटना है जो राम लखना गाँव में थाना मिथुराबाद के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ करीबन 1:30 बजे के आसपास ही सूचना आई थी कि कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा जो डिप्टी रेंजर हैं उनके नेतृत्व में जब वहाँ टीम गई है तो एक्सचेंज फायर में इनके ऊपर फायर किया था। इनके दाहिने कंधे के नीचे गोली लगी है। इनको BID मेडिकल कॉलेज ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। अभी उनकी स्थिति स्टेबल है और जो घटना का क्रम है वो ये जानकारी प्राप्त हुई है कि वन विभाग की टीम को की ये जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर अवैध कटान के समय द्वारा पेड़ों का कटान है। तो हम मौके पर पहुँचे। इस संदर्भ में इस घटना की जानकारी के बाद तत्काल सभी अधिकारी वहाँ पर पहुँचे और हमारी प्रिंसिपल के साथ वहाँ पर कॉम्बिंग कराई। कॉम्बिंग के दौरान वहाँ पर एक जाइलो गाड़ी हम लोगों को मिली जिसके पीछे का हिस्सा जो था जो RPM सीट होती है उसको पूरा खाली कराता था। उसको विवेचना के क्रम में आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने जो उसके अंदर आए हुए व्यक्ति थे उनको ट्रेस किया। उसमें से एक व्यक्ति शताब्दी मूलता चिल्वाताल का रहने वाला है और वर्तमान में मगध में रह रहा था। जो गाड़ी लेके आया था उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने बाकी लोगों का नाम प्रकाश में लेके बताया है। घटना में और कौन कौन लोग शामिल थे उनका नाम प्रकाश में आ गया। अधिकतर लोग जिनका नाम प्रकाश में आया है उनका लोकल ही है, वहीं आसपास के रहने वाले हैं और इस क्रम में उनकी भी गिरफ्तारी की टीम गठित कर दी गई है और हम लोग को कुछ इसके अंदर साक्ष्य मिल गए। सिर्फ इन लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। जैसे एक व्यक्ति का नाम जो प्रकाश में आया है उसके विरुद्ध जो अभी तक जानकारी उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। उनके साथियों की क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है वो हम लोग चेक कराए जा रहे हैं। जो जिसके ऊपर मुकदमे हैं उसके जमानतदारों और बाकी लोगों को भी हम लोग चेक करवा रहे हैं और जैसा मैंने बताया हम लोग को फ्लीट्स है तो इसको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।